कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा वीरभद्र सिंह ने प्रदेश में पुलिस की लिखित परीक्षा को रद्द करने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सरकार प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1,87,000 युवाओं ने लिखित परीक्षा में भाग लिया और सरकार ने युवाओं के साथ साथ परिवारजनों के सपनों को भी मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि पेपर लीक करने में संलिप्त दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस मौके पर प्रतिभा वीरभद्र सिंह ने अन्य बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला। पुलिस में भर्तियां होनी थी जिनकी लिखित परीक्षा को रद्द किया गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन बच्चों ने तैयारी की थी, जिन्होंने इस टेस्ट को क्लियर किया था, उनके मन में बहुत निराशा है। और जहाँ सरकार रोजगार देने की बात कर रही है और इस तरीके से ये बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी आप जानते हैं कि हाल में ही 1,87,000 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था और एक एक बच्चे से 300 रुपये इसको भरने के लिए लिया गया। और जब ये बात सरकार के ध्यान में आई कि इस तरीके से पेपर लीक हुआ है, तो हम सरकार से ये भी पूछना चाहते हैं कि जब आपको पता लगता है कि ऐसी कोई हेरा फेरी हुई है या कोई ऐसा कुछ हुआ है, तो उसके बारे में क्यों जवाब नहीं दे रही सरकार, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और ना ही इसकी छानबीन करने के बारे में कोई आदेश सरकार ने दिए हैं। और मुझे दुख है इस बात का कि जो बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं और वो चाहते हैं कि कहीं भी हमारे को रोज़गार की कोई संभावना नहीं नज़र आती, तो कोई देखते हैं कि जी पुलिस में भर्ती होने जा रही है, लोग हमारे पास भी सिफारिश करने आते हैं कि भी हमारी मदद कर दो, हम बहुत गरीब परिवार से हैं, हमारे पास कोई भविष्य हमारे को नज़र नहीं आता, हमारे घर से कोई भी रोज़गार में नहीं है। तो उन बच्चों ने इसमें आवेदन भरा था और उनके परिवार को एक आशा थी कि आने वाले समय में हमारे बच्चों की अपनी योग्यता के मुताबिक उनको ये भर्ती जो हो रही थी उसमें कंसिडर किया जाएगा और वो टेस्ट क्लियर करके पास होकर वो नौकरी में लगेंगे। पर जो ये हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम चाहते हैं कि सरकार इसकी छानबीन करे। जिन्होंने ये पेपर लीक किया है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में इस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा।